आपके साथ मैं हूं दीपिका। क्या रजत ने फिर से बदतमीजी की? और ये दूसरी बार है जब सोशल मीडिया पर इसी बदतमीजी की वजह से रजत दलाल छा गए हैं। हुआ क्या है, आखिर क्या किया है रजत दलाल ने? चलिए बात करेंगे इसी पर। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। रिसेंटली एलिस के साथ रजत का विवाद हुआ था और ये बात कही गई थी कि एलिस वीमेन कार्ड खेल रही है। मड वाला टास्क आपको याद होगा, जहां पर मिट्टी से कुछ बनाना था और एलिस ने वो बात कह दी कि मैं वीमेन्स कार्ड खेलूंगी, कि तुमने ऐसे हाथ कैसे लगाया। और उसी वक्त रजत ने हाथ जब लगाया तो एलिस पर सारा इल्जाम आ गया, एलिस झूठी करार दी गई। और उसके बाद रजत के फेवर में और भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस आए और ये कहा जाने लगा कि रजत तो ऐसे है ही नहीं। और रजत ने भी डंके की चोट पर एलिस को झूठा साबित कर दिया और एलिस की वो बात जो मुंह से निकली थी वो उन पर उल्टी साबित हुई। लेकिन रिसेंटली टाइम गॉड के टास्क में रजत ने फिर से कुछ ऐसी हरकतें की है जिसका सबूत भी मिला है। आप देखिए तस्वीर, और इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? रजत दलाल भागने की तैयारी में है, बगल में यामिनी खड़ी है जो कि रिसेंटली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आई है और वो चाहते हैं कि दिग्विजय बने। लेकिन यामिनी भागती उससे पहले ही रजत ने उनकी चेस्ट पर हाथ रख दिया और अब वो हाथ भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो क्या रजत टास्क के दौरान ऐसा ही करते हैं, या फिर उन्हें ध्यान नहीं रहता कि उनका हाथ कहाँ जा रहा है, उनके आजू बाजू में कौन खड़ा है, मेल है या फीमेल है? इसका कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन बाहर जब लोगों ने देखा तो हर कोई चौंक गया क्योंकि यामिनी के चेस्ट पर रजत का हाथ था। तो क्या एलिस सही कह रही थी? क्या रजत उस वक्त भी गलत थे और आप भी गलत हैं? आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा।